हेलो दोस्तों, जय कबूतर। देसी आइफलाइन किचन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आकाश माड़ी खंडागढ़। दोस्तों आज हम आ चुके हैं महाराष्ट्र में परवनी में यार पिजन फार्म पे। ओके दोस्तों, जिनका ये फार्म है, जिनका ब्रीडिंग सेटअप है, उनका नाम है दोस्तों आजहर सर। ये देखो, हेलो आजहर सर, कैसा? बढ़िया है सर। ये टाइम पे इसमें कौन से कबूतर का शौक होने वाला है? अभी दिखेंगे अपन डब वाले कबूतर। डब वालों का शौक करेंगे कि जितने भी डब वाले हैं, और जितने भी, बोलने का मतलब है कि जितने अपने पास लाइन है टब वालों की, एक ही नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी लाइन है वो मेंटेन करे वाली है। और वही अब व्यूअर्स को जो है तो देखने को मिलेंगी कि भाई टब वाले जो है कैसे है, क्योंकि हर ब्रीड हमने कोशिश करे वाली कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको मेंटेन करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में क्वान्टिटी रखते हुए, ये ज़्यादा कोशिश है आकाश भाई अपनी इसके अंदर। तो डब वाले भी उसी तरह से है, तो ये आप खास देखो, गौर करो उनके आँखों के ऊपर, परों के ऊपर, कोशिश करें हमने जो भी है वीडियो में कवर करने की। बाकी जब जिसको भी शौक़ है बिल्कुल आपका वेलकम है, आइए शौक़ कीजिए, कबूतर देखे, कबूतर को परखो, उसी के बाद आगे बढ़ो। चलो मस्त। ओके दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करके हम आपको लेके चलते कबूतर के असली सफड़े लास्ट तक। देखिए ये देखो दोस्तों, स्पेशल चीज़, स्पेशल एकदम कम कबूतर को आपको शौक करा रहे हम, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो हम गिन भी नहीं सकते कितने कितने नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो ये स्पेशल का शौक हो रहा है दोस्तों। ये है ब्रीड अपनी डब वाले कबूतर, डब वाले ब्रीड। ये देखो, ये देखो अजहर सर, अभी ये जितने भी ब्लड लाइन है आपके स्पेशल डब वाले कबूतर, तो ये मतलब आपने बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है कि आपके खुद, मतलब क्या कहना चाहोगे, कहाँ से खरीदे थे सबसे पहले? बनाए भी तो नहीं ये ढाका। हाँ हाँ, बोल तो नहीं सकते कि हमने बना दिए। हाँ, ये भी सारे जो इंपोर्ट होके आए थे हमारे पास डब वाले, उनकी वही ब्लड लाइन है, वही ब्रीड है जो आगे चल रही है, वही ब्रीड है। मिक्स कुछ भी नहीं है, सब प्योर है, हर चीज़ प्योर रखे वाली हमने, चाहे वो गोल्डन हो, वाला हो, टेडी हो। उसके पीछे का हमारा मकसद ये है, जो अच्छे खिलाड़ी है अगर ये किसी के पास चले गए, किसी के हाथों में, तो उससे वो कुछ बना सके, कुछ उसमें क्रॉस डाल के या फिर अपनी जो भी उस्ताद ये अपना फन है कबूतरों में दिखा सके, उसलिए हमने सब प्योर हालत में रखे वाले, क्योंकि आगे चल के जब भी प्योर के अंदर क्रॉस बैठता ना वो बहुत अच्छा रहता। क्रॉस के अंदर अगर क्रॉस करेंगे ना तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। ओके, तो प्योर में प्योर बहुत क्वालिटी अच्छी होती है, प्योर में क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, प्योर अगर सोना है उसमें थोड़ा सा पीतल या तांबा मिला दिए तो उसकी बात भी अलग बनती, और उससे आप जैसा जेवर बनाना चाहते, जोहरी जैसा तराशना चाहता वैसा तराश सकता, लेकिन पूरा की पूरा अगर उसमें पीतल डाल दिए ना तो फिर वो मजा खत्म हो जाता, मजा खत्म हो जाता। तो असली के अंदर थोड़ा सा देने के लिए, क्योंकि क्या है, अगर ऑलरेडी ये क्रॉस है फिर आप उसके अंदर कोई चीज मिलेंगे तो फिर वो खत्म हो जाता, खत्म हो जाता। ये देखो मस्त। तो इनकी उड़ान के बारे में क्या कहना चाहेंगे अगर सर आप, इनकी उड़ान वगैरह किस तरह है, क्या है? देखो अगर घर के लिए कबूतर है, अगर मेरे पास 10 घंटे 12 घंटे, हाँ हाँ, आप कबूतर जब भी, मैं यही बोलता कि जो उड़ाना अच्छे से जानता, इतना भी कैसा भी कबूतर जो अच्छी नस्ल का है, अच्छे ब्रांड का कबूतर है, वो बिल्कुल उड़ा सकता है, उड़ा सकता। और ये कबूतर उड़ते आकाश भाई, ऐसा नहीं है हमारे पास, हमने उड़ाए सियालकोटी से क्रॉस करके, पिछले साल गर्मी में उड़ाए, परसे उड़ाए, क्या बात है। ये लगभग 9 घंटे के एवरेज से कबूतर उड़े वाले हमारे पास। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, 9 घंटा तक एवरेज मानना पड़ेगा, और घर पे भी बराबर, वापसी भी बहुत प्यारी। नहीं, वापसी तो रहेंगी ना कबूतर, अगर वापसी नहीं है तो कबूतर ही काम करिए, छोड़ दिया ना आपका, कबूतर कोई नहीं मस्त। अभी हम कुछ कबूतरों का शौक करना चाहेंगे। देखो ये नर है मादी? नर है। और इनको आप ज़्यादा धूप में वगैरह बाहर नहीं छोड़ते? नहीं, ब्रीडिंग में है। ब्रीडिंग में, ओके। ये मेन कबूतर है, ब्रीडर है सब? ये सब ब्रीडर। ओके, ये देखो इनके पूरे सांप बाजू का कबूतर,
तो इसमें ये इस तरह मतलब सांप बाजू के भी आते हैं डबालों में? डबालों में सांप बाजू का मतलब ये अगर ये डब बनता किसी का पूरा बनता किसी का एज के साथ बनता और कभी कभी आता भी नहीं एक आधे बार, लेकिन अच्छा डबालों के नाम से ही डब बने। अच्छा फेमस ये कमकगर कबूतर है। कमकगर कबूतर है हाँ। तो ये कमकगर में ये सब मतलब कलर के हिसाब से उनको नाम दिया गया। बस बस ओके। इसमें और गहरे आंख में भी देखने का तो गहरे आंख में भी हाँ हाँ जरूर जरूर। ये देखो रिश्ता ये क्या किस तरह क्या क्वालिटी कहना चाहते हैं अगर सर आंखों को नहीं आंखों के अंदर जो है अगर उसकी गुलामी के साथ में आप देखेंगे काली पट्टी जो है उसके बाजू में जो घेरा है ये नीला घेरा है नीले रंग का है बहुत से लोग ये जो है सियान कबूतर की अच्छी है निशानी पूरी लाल आँख रहना पूरी की पूरी देख सकते वो उतनी मुझे भी पसंद नहीं आती थोड़ा उसके अंदर सफ़ेदपन रहना उसकी आँख के अंदर। अच्छा वो आपको ज़्यादा पसंद है? वो पसंद है थोड़ी हल्की लाइट में। ओके बहुत मस्त। और जिस तरह ये जो पलक एकदम पॉइंटेड है तो उसमें भी कुछ होता है क्या ऐसा कुछ? नहीं वो उतना नहीं, लेकिन अभी उसके सबके अलग अलग ओपिनियन है इसके बारे में अपने कुछ उठना। ओके चलो बहुत प्यारे। ये देखो ये पर है इनके ये ज़्यादा छाप में बने हुए हैं। ये देखो पर वगैरह और डब भी बना हुआ है पीठ के ऊपर। चौड़े चौड़े पर लग रहे अगर सर बोल बिल्कुल चौड़े इधर चौड़े और इधर पतले पर आया ऐसा कुछ है क्या? हाँ अच्छा। ये देखो पूरी बंदूक का कबूतर बस। ये देखो बहुत सारे इनको छोड़ के बता। ये देखो ये जो रिंग है अच्छा ये देखो रिंग पहना हुआ है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए निशानी बस। अभी लिस्ट कबूतर होता है। ये देखो ये डर है माधी ये माधी ये माधी ये वाह वाह क्या एक नंबर। ये देखो आपकी क्वालिटी ऐसा लग रहा है जैसे क्या लाल मसाला। इसमें भी नीली जमीन बनी हुई है क्या काली वाली पीठ के बाजू में? क्लियर दिखी आपको और ये देखो तो जिस तरह एकदम गहरी लाल आंख होती है तो उनकी उड़ान के बारे में क्या कहना चाहोगे अगर सर आप? नहीं उड़ान है उनके अंदर वापसी भी अच्छी है ऐसा नहीं है कि लाल आंख के कबूतर में उड़ान या वापसी की कोई दिक्कत है। उड़ते बिल्कुल उड़ते उड़ान भी है वापसी है। अगर खून अच्छा है आपके पास अच्छे ब्लड का कबूतर है अच्छी लाइन का कबूतर है तो बिल्कुल उसके अंदर हर चीज़ आपको मिलेगी चाहे आप उसको क्रॉस करो चाहे उसको खुद को उड़ाओ। ऐसा नहीं है कि लाल आंख मत उड़ाओ। परसों एक भाई का सवाल था कि भाई टेढ़ी कबूतर जो ओरिजिनल है वो सिर्फ क्रॉस में छूटते बोले। अच्छा हाँ तो बहुत अलग अलग लोगों के अंदर जो है ना नए नए जो शौक में आ रही है हाँ तो जो है ना बहुत नए नए सवाल उनके दिमाग में उनके दिल में है कि असली असली ओरिजिनल प्योर और सब अपने अपने हिसाब से जिसको लग रहा है वो ओरिजिनल उसको प्रेजेंट करके बता रहे। तो पहले जो भी है वो खुद उसका जो है एक खुद नॉलेज लो उस चीज़ के बारे में फिर मैं तो बोलता हूँ उस चीज़ के और से आगे बढ़ो। मस्त सही बात है। ये देखो दोस्तों और कबूतर को कुछ शौक करना है? वैसे तो सब एक ही ब्लड लाइन है एक ही नस्ल है अभी क्या करें। ये देखो क्या बात है एक नंबर डब वाले कबूतर। ये देखो क्वालिटी तो आपने देखी होगी किस तरह है किस तरह नहीं। कुछ कहना आजर सर लाज जाते जाते बस शॉप करो अच्छा शॉप करो मस्त तो हर चीज़ जो है ये अपने हाथ में नहीं रहती बराबर अच्छे से शॉप करो प्यार मोहब्बत से शॉप करो। बहुत प्यारे ये देखो दोस्तों कैसे लगी वीडियो कैसे लगी कबूतर ज़रूर बताना कुछ बातें अगर आपको भी सीखने मिली तो ज़रूर हमें भी बताओ। हेलो दोस्तों तो आपने देखे रहेंगे कबूतर किस तरह है किस तरह नहीं जितने भी कबूतर बताए तो ये मतलब पूरे के पूरे आपके घर के पर्सनल है तो ये सिलेक्टेड कबूतर खाली पांच सिलेक्टेड नहीं खाली कब जितने भी कबूतर है सारे की सारे सिलेक्टेड है सेम ही है सब सारे की सारे सिलेक्टेड। अगर सिलेक्टेड नहीं रहते तो इतने अपन लेके नहीं बढ़ते थे हाँ इसको ब्रीड नहीं करा क्योंकि देखो बार बार नहीं क्या कोई भी चीज़ एक ही बार अच्छी मिलती है आकाश भाई और वो जब मिल गई ना तो उसको आप कैसा रखते कैसा मेंटेन करते ये आपके ऊपर डिपेंड है रखना या छोड़ देना है। तो हमने यही कोशिश करी कि भाई हमको तो ये बाद में वापस से बार बार पलट के नहीं मिलने वाली चीज़ है तो क्यों ना इसको ही आगे बढ़ाए सही शॉप को जो है तो बढ़ावा दिया जाए।
चलो बहुत बढ़िया। अच्छा तो ये कबूतर सेल के लिए वगैरह नहीं है? नहीं सेल के लिए नहीं है, सेल के लिए नहीं है। व्यवसाय नहीं, बस देखो शौक करो और एक अपनी राय दो और बताओ कि अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी बताओ हम आगो के भाई ऐसा। और मेरी कोशिश ये है कि आप आओ हमारे पास और लॉफ्ट पे विजिट करो आके। ओके दोस्तों, तो ये कहना चाहिए जिस किसी भाई को जो भी कुछ भी बात करनी है तो इनका मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पर स्टेशन में मिल जाएगा, जो कुछ आप इनको डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, अगर आपको नीचे लगे तो ठीक है, नीचे ब्लैक कलर का बटन है आप उसे टच कीजिए, उसके आगे बेल आइकॉन से भी आप टच कीजिए, उससे होगा जिससे मिशन ऑफ रखें सबसे पहले आप ही के पास देंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर बताना। सभी मिलते हैं, जय कबूतर।